Namaskar, good evening, and welcome to the 18th episode of Encounter with Alok. शुरुआती करने से पहले भजन की दो लाइन गाना चाहूंगा क्योंकि आज नवरात्रि है और मैं अपने ही भाषा में आज भजन का शुभारंभ करना चाहता हूं. सबका के अनधन जवन मन अपार दिया ए मैया हमार खाली बोलिए संवार दिया वाणी दी मैया शारदा भवानी लहिका दुआर पे खड़ा. इसी गाने के साथ आज हम शो का आरंभ करना चाहते हैं क्योंकि जो ये गाना है माता का दिन है और जो जिस मुहिम पे हम लोग जुड़े हैं उस मुहिम से हम लोग चाहते हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत उनको मिले. और हमारे साथ इस मुद्दे पर बहुत खास गेस्ट जुड़ चुके हैं जो कि पिछले 27 सालों से न्यूज इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है. उन्होंने एबीपी न्यूज, न्यूज एक्स, टीवी टुडे ग्रुप सहित कई मीडिया हाउसेस में आपने उनको देखा होगा. तो हम वेलकम करना चाहते हैं सुनील झा सर का, वन एंड ओनली सुनील झा सर. प्रणाम सर, प्रणाम करता हूं आपको. थैंक यू. तो सर सबसे पहले बताना चाहूंगा दर्शकों को कि सर काफी हद से 120 मोर देन 120 डेज से ज्यादा जुड़ चुके हैं और मुहिम को बहुत आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है. तो सर मेरा कुछ सवाल है जो मैं आप लोगों से करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा इस मुहिम से, क्योंकि स्कॉटलैंड से हमने छोड़ी छोटी सी मुहिम जोड़ी है. और सबसे और धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर आप हमारे शो पे आए, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया. थैंक यू सर. तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि इस मुहिम से सीबीआई, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है, सीबीआई ने जब ये क्लियर कर दिया है कि एसएसआर मामले में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करने नहीं जा रही है, अभी इस मामले की जांच जारी है, तो क्या इस बात की संभावना है कि अभी भी सुशांत की हत्या की थ्योरी पर सीबीआई जांच कर रही है? क्या ये हम मान लें कि सुशांत की हत्या नहीं हुई या हत्या हुई, ये हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सर अभी सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दी नहीं है. हेलो, ये एक्चुअली एक जुडिशियल प्रोसेस है. क्लोजर रिपोर्ट इज अ जुडिशियल प्रोसेस. वो ऐसे नहीं है कि हमने बोला और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, क्योंकि एक एफआईआर रजिस्टर्ड है और आप जानते हैं एफआईआर का क्लोजर कोर्ट में ही हो सकता है. एफआईआर का क्लोजर कभी भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के थ्रू नहीं होता है. एफआईआर का क्लोजर ऑलवेज कोर्ट में होता है, वो सूनर या लेटर कोर्ट में तो जाएगा ही, चाहे वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो या वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं है, सिंपल सुसाइड हो या वो मर्डर हो. तीन ही पॉसिबिलिटी है, एक सिंपल सुसाइड, एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और एक मर्डर. अगर मान लेते हैं कि केवल सुसाइड हो तब भी ये केस बगैर कोर्ट में जाए नहीं होगा. कोई भी क्लोजर अगर सीबीआई करना चाहेगी तो वो कोर्ट में ही जाकर उसको देना पड़ेगा और कहीं नहीं दे सकती. जब तक आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं करते हैं किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली चालू रहता है. दैट इज द ऑफिशियल पोजीशन जो उन्होंने बताया है कि वी हैव नॉट क्लोज द केस येट एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द एंगल्स. दैट्स व्हाट दे हैव सेड इन द स्टेटमेंट. एंड एनी रिपोर्ट जो सजेस्ट करता है कि ये कंक्लूड कर लिया है हमने या हमने क्लोज कर दिया है, वो स्पेक्यूलेटिव होगा, वो एरोनियस होगा. बट द फैक्ट इज कि ये तो हो गया ऑफिशियल पोजीशन. जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो ये है कि अगर ये मर्डर केस है, अगर आई डोंट नो, नहीं तो जानना मुश्किल है अभी फिलहाल कहना कि ये सुसाइड है या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या ये मर्डर केस. मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं होता, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और ये मर्डर होता, तो फिर मर्डर के उस घर में चार विटनेसेस थे, आई विटनेस है, और वो चार आई विटनेसेस आज सीबीआई के पास नहीं है, वो चारों बाहर है. और इस केस का एक प्राइम सस्पेक्ट है, वो भी जेल में नहीं है, किसी तरह की कोई अरेस्ट नहीं हुई है, किसी ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है और अभी सबके सब फ्री है. यानी 120 दिन बाद भी सीबीआई के मुताबिक इस केस में कोई अरेस्ट अभी तक सीबीआई ने नहीं किया है किसी भी एंगल से. दैट्स पॉइंट नंबर वन. सो अगर मर्डर केस होता और सीबीआई के पास इंफॉर्मेशन होती और या विटनेसेस होते या एविडेंस होता,
तो कोई ना कोई अरेस्ट जरूर हुआ होता और दैट क्रिएट्स अ डाउट इन आवर माइंड कि क्या ये मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है. दैट्स पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस से इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता शुरू से, वो भी नहीं है. उसका रीजन क्या है कि शुरू से सीबीआई ने इसको मर्डर एंगल से ही इन्वेस्टिगेट किया है. अब सीबीआई के हाथ क्या आया है नहीं आया है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अब शायद चेंज ऑफ कोर्स सीबीआई कर रही है. इट्स मूविंग टुवर्ड्स अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, क्योंकि अगर मर्डर हुआ होता तो मैंने जैसे बताया कि कोई ना कोई अरेस्ट हुआ होता, कोई ना कुछ चीजें सामने आई होती, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो कोई अरेस्ट नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, तो फिर ये कंक्लूड करना कि ये मर्डर है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. प्रैक्टिकली टॉकिंग, कहने के लिए ऑफिशियली सभी एस्पेक्ट पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो मर्डर पे भी हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने कोर्स चेंज किया और वो अबेटमेंट सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए भी आपके पास चार लोग कम से कम ऐसे हैं घर में जिनके पास 3-3.5 घंटे का टाइम था, वो चाहते तो बचा सकते थे. तो अबेटमेंट के चार्जेस अगर रिया चक्रवर्ती पे लगते हैं जो कि फैमिली ने लगाए हैं, और अगर वही पोजीशन है तो रिया चक्रवर्ती के अलावा डायरेक्टली उस घर में चार लोग थे, उनका टाइमली इंटरवेंशन, अगर ये मान भी ले हम लोग कि सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल कंडीशन नहीं थी एंड ही वाज अंडर मेडिकल गाइडेंस एंड मेडिकल एडवाइस, और मेडिकल एडवाइस ये था कि ही हैज टू बिकम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड, तो फिर ये चार लोगों को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने के तहत दे शुड हैव इंटरवीन्ड एंड दे शुड नॉट हैव वेस्टेड 3 hours 15 minutes. अगर इफ दे हैव वेस्टेड तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में भी ये चारों के चारों तो अरेस्ट होने ही चाहिए. तो फिर सीबीआई ने क्यों नहीं अरेस्ट किया, या तो सीबीआई ने अबेटमेंट ऑफ केस सुसाइड एंगल से इसको परस्यू ही नहीं किया, दे वर होपिंग फॉर सम एविडेंस, मे बी दे आर स्टिल होपिंग दैट एविडेंस, दे आर नॉट रिवीलिंग एवरीथिंग. That is one possibility. Second, अगर abatement of suicide case में भी investigation होगा, तो ये चारों जो घर में थे, इनका arrest होना तो तय है. But ये clarity नहीं है. There is no clarity आलोक कि which way CBI is moving. तो तीसरी possibility होती है simple suicide because of mental illness. तो अगर वो भी होगा तब भी जैसा आप बोल रहे हैं closure report तो इनको court में जाके ही देना पड़ेगा कि he died because of these circumstances. एक conclusion तो CBI को करना ही पड़ेगा. He, whether he died on his own due to his own mental illness, did he, was he pressured, put under pressure to commit suicide, which is abetment of suicide, or was he killed by somebody else, someone else, or a group of people who came from somewhere and murdered him. Either ways, they'll have to go to the court. That is the legal position. These are the legal and the practical position. Yes. Very good. Sarwani ji, aap kuch add karna chahenge, please, is pe. नहीं, मैं वही एक्चुअली जैसे सुनील सर ने कहा है अभी, जो चार लोग घर पे मौजूद हैं, आई थिंक दे आर द की विटनेसेस, एंड वो ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं और हर जगह उन लोग यू नो लाइक अभी सिद्धार्थ पिठानी को ले लीजिए या नीरज को ले लीजिए, केशव को ले लीजिए, दे आर गेटिंग जॉब्स इन द अदर सेलिब्रिटीज हाउसेस. और जहां तक गणेश और अंकित का सवाल है, उनको कहीं जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, दे आर रेजिंग वॉइसेस फॉर सुशांत जस्टिस. इनको तो अच्छी तरह से हर जगह है जॉब मिल रहे हैं, दे आर गोइंग देयर, जबकि दे आर kind of suspects, because अभी हम लोग तो उनको suspect के नजर से ही देखेंगे क्योंकि they are there, either eyewitness ले लीजिए या suspect ले लीजिए, तो उनको तो किसी तरह एक kind of restriction होना चाहिए उनके movements में, you know, कि कुछ तो हो कि भाई आप नहीं इधर जा सकते हैं या उधर जा सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए कुछ restrictions उनके movement के ऊपर भी. और सिद्धार्थ पिठानी जिस तरह से वो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे हैं, एंड यू नो अगर डीकोड, जैसे मैं कुछ वीडियोस ऑनलाइन में देखती हूँ अनुराग जी का, जो वो डीकोड करते रहते हैं उनके वीडियोस का और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स का, तो इट्स शोज दैट यू नो दे आर नॉट इवन अफेक्टेड बाय सुशांत डेथ. सो ये हो क्या रहा है अगर उनको, मैं तो मैंने पहले दिन से मैं बोल रही हूँ उनको थर्ड डिग्री दो, नार्को टेस्ट कराओ उनका या कुछ तो ऐसे कराओ. आई थिंक अगर सीबीआई वो पहले से करती तो कुछ ना कुछ तो शायद मिल ही गया होता अब तक उनको. तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच में मैं क्या डिफरेंस करूं, कि हम लोग जो इतने स्टार्टिंग से हम इतना वॉइस रेस कर रहे थे कि सीबीआई आना है सीबीआई आना है, तो सीबीआई भी आई अभी. तो जो मुंबई पुलिस ने जिस तरह से 40 दिन पहले निकाल दिए थे, बस इनको आने जाने में इतने सारे लोगों को हमने बुलाया और परेड कराया,
आई थिंक सीबीआई इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. तो आई डोंट नो. तो आई एम जस्ट होपिंग, आई एम होपिंग फॉर अ मिरेकल, दैट्स इट. चंदा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इस चीज पे? ऐड बस यही कि किसी भी केस को एक प्रॉपर क्लोजर मिलना चाहिए. ये इस तरह का मतलब सीबीआई से इतनी उम्मीदें, अपने देश की इतनी बड़ी मतलब एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और लोगों को इतनी उम्मीदें हैं सीबीआई से, लेकिन कुछ बहुत निराशा हो रही है एक्चुअली कि ये केस किस तरफ जा रहा है. और पता नहीं सुशांत को जस्टिस का तो मालूम नहीं कि क्या चीज एक्चुअली जस्टिस के इसमें आएगा. एक जान तो खो चुकी है और उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट जो जाने वाला था वो किन वजहों से गया या क्या उसके पीछे कारण रहे हैं, उस पे अगर कुछ एक लोगों को क्लैरिटी मिल जाती, लोगों को एक उनके भी दिलों में, क्योंकि बिना किसी मतलब के तो लोग ये मुहिम नहीं चला रहे थे. इसके पीछे बहुत ही ठोस वजह रही थी जिसकी वजह से ये सब शुरू किया गया था. तो एटलीस्ट वो जान बचाई नहीं जा सकी, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक प्रॉपर क्लोजर अगर मिल जाता तो सारे जो उनके चाहने वाले हैं, फैंस हैं, उनको उनके दिलों में एक सुकून रहेगा. और ये जो बेचैनी रहती है हमेशा की, इंसान हमेशा सोचता रहता है, जो लोग भी इस चीज के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, हम सब जो इस चीज के लिए दिन रात उम्मीद करते कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ पता तो चले. वो इतना इतने भक्ति और इतना भगवान में विश्वास करने वाले इंसान थे कि मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके साथ इतना मतलब इस तरह की घटना घटी है. तो एक सीबीआई की तरफ से, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से क्लोजर मिल जाता तो लोगों को थोड़ा मन में मतलब सुकून रहता, एक शांति रहती. बिल्कुल सुनील सर, मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैं, क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुकात रखते हैं और धुरंधर हैं इसमें, तो क्या मीडिया ट्रायल की वजह से भी यह केस प्रभावित हुआ है, या हम ये कहें कि इसमें ट्विस्ट पैदा की गई है? डिफिकल्ट है. पहले तो मैं आलोक, अगर आप, मैं गलत नहीं हूं तो आप यूके बेस्ड हैं, राइट? जी सर. और आपके दर्शक ज्यादातर यूके में होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स अ बिग ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव डन दिस, जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हम लोगों को पर्सपेक्टिव, जो देश के बाहर है उनको कुछ और पर्सपेक्टिव मिलता है, यहाँ पर कुछ और पर्सपेक्टिव होता है. सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये चीज सोचा, क्योंकि थैंक यू सर. वो ये रहा कि बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव बातें होती हैं. दो तरह की चीजें होती हैं जी. एक होता है, मुझे मालूम नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने मनोहर कहानियां का नाम सुना है. जी जी सर. एक मैगजीन थी जी सर, और उसमें चटपटी खबरें होती थी. लोग वो चटपटी खबरें अगर पढ़ने सुननी है तो आप मनोहर कहानियां खरीद लेते थे. और एक होता था नॉवल वाज अ बिगर वर्जन, मतलब डिटेल्ड वर्जन ऑफ फिक्शन. तो वो आप कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो जो हिंदी के पढ़ने वाले लोग हैं वेद प्रकाश शर्मा या इस तरह के मैगजीन नॉवल पढ़ लेते थे, और वो वहां पर बहुत फिक्शन, फिक्टिशियस सस्पेंस थ्रिलर बनाए दिखे जाते थे. लेकिन मनोहर कहानियां जो है छोटी छोटी खबरें इस तरह की, उसको मसाले के साथ लाकर आपको देती थी. तो वो फिक्शन था लेकिन प्रेजेंट होता था न्यूज की तरह से, और लोग मनोहर कहानियां खरीदते थे. तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस केस. सो आई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आलोक आपने ये चूज किया इस टॉपिक को, और आपने मुझे बुलाया. जी, मेरा यूके कम्युनिटी में, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मुझे कनेक्ट होते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली कभी बात नहीं कर पाता उनसे, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, आई टॉक टू देम. जो लोग कनेक्ट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, लेकिन एज सच आपकी जो कम्युनिटी है उनसे मेरा बात करने का मौका मिलता नहीं. तो इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी कि आपने जो बताया, मैं आप उनसे बात कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. बहुत कुछ आलोक ने बता दिया, थोड़ा सा और मैं बताया था. I am, as he rightly said, 27 साल हो गए मुझे. 27 साल में मैंने 11 साल लगभग प्रिंट में काम किया और 16 साल लगभग टेलीविजन में एसोसिएटेड रहा. पिछले 3-4 साल से मैं एक्टिव जर्नलिज्म से दूर हूँ. उसके रीजंस अलग थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे, एंड देन देयर आफ्टर चीजें इस तरह से मीडिया में बदल गई हैं कि यू नीड टू बी पॉलिटिकली इंक्लाइन टूवर्ड्स वन और अदर सो टू बी अटैच टू अ ऑर्गेनाइजेशन. वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आई एम लिटिल मोर न्यूट्रल as far as the political thing is concerned.
तो लास्ट दो चार साल दो तीन साल से तो मैं अटैच नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया या जो कर रहा हूँ उसको और एक्सपेंड करूंगा, उसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चीजें न्यूट्रल है, रीजनेबल है, जो लॉजिकल है वो बात करें, और दैट वे जो आप कर रहे हो आई थिंक दैट इज कमेंडेबल कि एटलीस्ट यहाँ की बात आप वहां तक पहुंचा रहे हो, जिन लोगों के दिमाग में डाउट्स हो पता चले कि फिक्शन क्या है और फैक्ट्स क्या है। तो जो आपने पूछा है उसमें बहुत सिंपल है, मीडिया ट्रायल दो तरह से है आलोक, एक तो ये है कि मीडिया कुछ भी कहेगा तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। आवाज आ रही है? ओके, सो मीडिया ट्रायल, मीडिया में कोई भी बात कही जाएगी और आगे भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मीडिया ट्रायल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। मीडिया ट्रायल क्या है मैं थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल ये होता है कि जब आप किसी को बगैर इन्वेस्टिगेशन के कल्प्रिट मान लेते हैं और मीडिया में आप उसके कल्प्रिट होने के सबूत देना शुरू कर देते हैं। अब लोग कह सकते हैं कि शायद इस केस में रिया सिक्योरिटी का मीडिया ट्रायल हो गया या सर्टेन पॉलिटिकल लीडर्स का मीडिया ट्रायल हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया। मेरा पॉइंट यह है कि जब भी कोई केस इस तरह का आएगा, जब भी कोई केस आएगा, ये तो आज आया ना, इससे पहले शीना बोरा भी आया, इससे पहले और भी पॉलिटिकल केसेस हुए, जब भी कोई मर्डर मिस्ट्री आएगी, जब भी कोई ऐसा केस आएगा जिसमें मर्डर एंगल इन्वॉल्व होगा, जिसमें पता नहीं है, मिस्टीरियस है, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, उसमें इस तरह की चीजें ऑलवेज होंगी मीडिया पर। मीडिया ऑलवेज अलग अलग एंगल को इन्वेस्टिगेट करेगा। अलोक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मीडिया ट्रायल एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एंगल्स। डिफरेंट एंगल्स इसलिए कि कल को ये ना कहे कि ये एंगल नहीं छुआ हमने, अरे ये तो इस पर तो नजर ही नहीं गई। लेकिन इस पर नजर नहीं गई इसका मतलब नहीं कि आप इसका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आप अलग अलग एंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यस, उसमें फर्क है। अभी क्या हो रहा है, जो जर्नलिस्ट है, जो एक्चुअल जर्नलिस्ट है, वो लॉजिकल थियरीज जो कि पॉसिबल है, जो पॉसिबिलिटीज है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। बट देयर इज अनदर सेक्शन जो सोशल मीडिया से आता है, जिसको फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसमें सीबीआई क्या कह रही है, इसमें ईडी क्या कह रही है, इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या कह रही है, ऊपर हॉस्पिटल क्या कह रहा है, मुंबई पुलिस क्या कह रही है, उसका अपना थ्योरी है, वो एब्सर्ड थ्योरीज है, कहीं से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं मालूम नहीं। पूछेंगे तो जवाब मिलेगा मैं फलाना हूं, आई एम सो एंड सो, एंड आई डोंट टॉक विदाउट एविडेंस, सो व्हाई आर यू नॉट प्रेजेंटिंग द एविडेंस, सो दिस बिकम्स एन एब्सर्ड थ्योरीज। अब उससे क्या होता है कि जो लोग जो बातें नहीं कही जानी चाहिए वो भी कह दी जाती है। आलोक के बारे में कोई भी बात कह दी जाती है, आलोक के बारे में, उस फैक्ट्स के बारे में कोई चेक नहीं करता, कोई वेरीफाई नहीं करता, कोई वेरीफाई करने वाला नहीं है, किसी अथॉरिटी ने कुछ बोला नहीं है, आलोक तो कल्प्रिट हो गए, मैं कल्प्रिट हो गया, आप कल्प्रिट हो गए, क्यों? क्योंकि किसी ने एब्सर्ड बातें कर दी। एब्सर्ड बातें कब होती है? जिसका कोई इन्वेस्टिगेशन से लेना देना नहीं। जो लोग भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आते हैं, जिनका नाम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ता है, आप उनके बारे में मीडिया में बात करेंगे ही करेंगे, आप उसको मीडिया ट्रायल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गए। जैसे सारा अली खान, जैसे दीपिका पादुकोण, जैसे श्रद्धा कपूर, इनका नाम अगर आ जाता है इन्वेस्टिगेशन में, फिर व्हेन यू टॉक अबाउट देम दैट्स नॉट मीडिया ट्रायल, बिकॉज आप इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, किसी एजेंसी ने आपका नाम लिया है, फिर आप बात किए जा रहे हैं, अब आपसे रिलेटेड अलग 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 एंगल पे बात की जाएगी। लेकिन जब आपका नाम ही नहीं लिया गया, जब आपका कोई रेफरेंस ही नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं है, और तब आपको जब ड्रैग किया जाता है, that is what I feel defamatory, derogatory, maybe you can call it media trial, but in the name of media trial, आप लोगों को investigation में दायरे में आने के बावजूद नहीं बात करने से रोकना चाहते हैं। So there are two aspects of it. One, that जो चीजें absurd हैं, उसका इस्तेमाल करके जब आप बात करते हैं तो आप किसी को defame करते हैं, that I consider as media trial, because उसका कोई relevance नहीं है, उसका कोई link नहीं है, वो investigation के दायरे में नहीं है। लेकिन मीडिया ट्रायल के नाम पर, जैसा आपने बोला जनरल इंप्रेशन की मीडिया ज्यादा ही कर दे रहा है, तो मीडिया ट्रायल के नाम पर अगर आप मीडिया को रोक रहे हैं कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, फिर भी आप उसके बारे में बात मत कीजिए, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन यू आर स्टॉपिंग द मीडिया फ्रॉम डूइंग द जॉब। सो इट्स अ टू थिंग्स, वन इज द मीडिया ट्रायल विच इज एक्चुअली अफेक्टिंग दोज हु आर नॉट इन द रियल्म ऑफ सस्पिशन, एंड द अदर पार्ट इज टू स्टॉप मीडिया फ्रॉम टॉकिंग अबाउट यू इवन इफ यू आर अ सस्पेक्ट
यू टेक दिस एज अ डिफेंस कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, आप मेरे बारे में मत बात कीजिए क्योंकि आपके बात करने से मेरे रेपुटेशन को असर हो रहा है, जबकि आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कोई ना कोई एजेंसी जरूर कर रही है। बहुत सही सर, बहुत सही। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े हस्ती हैं वो जो बॉलीवुड से रिलेटेड, हम लोग पिछले बार भी इसका डिस्कशन कर रहे थे, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं या बड़े बड़े महान कलाकार जो हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस केस पे? अक्षय कुमार आए थे स्कॉटलैंड में बेल बॉटम, यहाँ हम लोग भी काफी 19 साल हो गए हमें बेल बॉटम से रिलेटेड जब फोटोशूट कर रहे थे, जब हमने उनसे जब इस केस में बात करने की कोशिश की तो वो तुरंत ही मुड़ के चले गए, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। प्लस और दो तीन आदमियों से बात हुई तो जो बड़े बड़े सेलेब्स हैं वो भी नहीं बोल रहे, तो हम इसका मतलब क्या समझे? क्योंकि हम बॉलीवुड से कुछ देख के सीखते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, देखते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट का सिर्फ मामला नहीं, हम अपने बच्चों को भी इससे सीख देते हैं, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे सर? आलोक, इसमें ये है कि अगर आपके घर में कुछ हो जाए ना, अब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको पता है कि ये कल्प्रिट है, लेकिन आपके घर क्या है ना, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते, आप डिलेमा में होते हैं कि मैं इसके अगेंस्ट में जाऊं या इसके फेवर में करूं, तो आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आपने, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने एक दामिनी फिल्म देखी है। जी सर, अरे आप लोगों ने देखी है। यस यस। दामिनी में जो कल्प्रिट था वो फैमिली से था, एंड द हस्बैंड न्यू, The husband kept quiet. Why? Because he could not decide. Should I go against my brother? Should I go against my relative? तो वो चुप हो गया। इंडस्ट्री की हालत आलोक एग्जैक्टली यही है। अपने फ्रेटर्निटी के खिलाफ जाने से आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि मान लो अगर इस केस में कुछ भी नहीं निकला, जो कि अब ऐसा दिख रहा है, maybe things have been taken to a different direction altogether. और शायद अगर कुछ भी नहीं निकला तो जो लोग बोले वो लोग ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। दिस इज द रीजन वाई देयर क्वाइट। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर बिजनेस इंटरेस्ट, बिकॉज इफ दे टॉक अगेंस्ट, इफ दे स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, यानी इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़े हो गए जिन पर सवाल उठ रहा है, तो पब्लिक भिदक जाएगी, और पब्लिक भिदक गई तो बिजनेस अफेक्ट होगा। तो अमिताभ बच्चन डजंट वांट दैट, अक्षय कुमार डजंट वांट दैट, और अगर पब्लिक के साथ खड़े हो गए, यानी सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन के फेवर में खड़े हो गए, तो इंडस्ट्री जो उनको काम देती है, इंडस्ट्री जहां पर वो रहते हैं, वो भिदक जाएंगे। सो दे विल गो अगेंस्ट देम, सो दे आर यू नो लिविंग ऑन अ थिन एज, इधर गए तो खाई, उधर गए तो कुआं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे जाएं कहां। तो बेस्ट ऑप्शन इज टू कीप क्वाइट, जब देखेंगे वेट एंड वॉच। नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड आई यूज टू कवर हिम वेरी रेगुलरली as a political journalist. I'm basically a political journalist. Crime मेरा field नहीं है. Crime मैंने बहुत पहले crime reporting छोड़ दी थी journalism. When I was in United News of India as a print journalist, उस वक्त मैं cover करता था Delhi Police, CBI, Enforcement Directorate, Income Tax, Narcotics Control Bureau मैंने बहुत कम cover किया, cases ही नहीं होती थी. ये सब चीजें मैंने उस वक्त cover की थी, customs, excise, और वो मैंने 6-7 साल, 8 साल cover किया. Between 1995 and 2004, और 2004 में I joined आज तक. So आज तक के बाद से my tenure has been on more as a political journalist. So I have seen the term of Narasimha Rao as while I was in UNI. और उस वक्त मैंने देखा, because I was covering courts, I was covering crime at that time. High court cover कर रहा था. उनके तीन cases थे Narasimha Rao के, JMM वाला, JMM scandal, then Saint Kitts. तो Narasimha Rao ने कभी किसी चीज पे नहीं बोला, right? Because he thought his policy was not taking a decision was a decision. So not commenting itself is a comment. So you can look at it in two ways. Amitabh Bachchan ने नहीं बोला। अब जो फैंस को अगर ये बात हम बोलेंगे तो फैंस शायद नाराज हो जाए कि शायद हम अमिताभ बच्चन का साइड ले रहे हैं, बट थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर अमिताभ बच्चन ने आपके फेवर में नहीं बोला, सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में नहीं बोला, जो लोग, जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको बोलना चाहिए था, तो अमिताभ बच्चन ने फ्रेटर्निटी के फेवर में भी नहीं बोला, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग दैट एज अ पॉजिटिव? उस इंडस्ट्री में रह के उस फ्रेटर्निटी के बारे में अमिताभ बच्चन ने एक भी वर्ड नहीं बोला और डिफेंड ही नहीं किया। अक्षय कुमार ने अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को डिफेंड नहीं किया। हाँ, आपके फेवर में नहीं बोला, ये बात सही है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में नहीं बोला, लेकिन उनके उनके फेवर में भी नहीं बोला। क्यों? They wanted to be neutral. उनको business भी देखना है
उनको फैंस भी चाहिए, उनको आप इंडस्ट्री भी चाहिए, और इस प्रोसेस में सबसे बुरी हालत। मैं अपने मेहमान से जानना चाहूंगा कि सुनील सर, क्या दिशा सालियान का जो केस है वो हम एसएसआर से मैं इसको जोड़ के देख सकते हैं? हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, इसकी भी जांच क्या सीबीआई से होनी चाहिए? होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे सवाल उठ गए। देखिए, ये कोई नहीं बोल रहा है कि दिशा सालियान केस मर्डर है, ये चलिए मान लेते हैं एक मिनट, मर्डर नहीं है, सुसाइड है, मान लेते हैं। और फैमिली भी कुछ नहीं बोल रही है, ये भी मान लेते हैं कि ठीक है, फैमिली नहीं डिमांड कर रही है कोई, उनको नहीं लगता कुछ भी गड़बड़ है। लेकिन दिशा सालियान में कई सारे पॉलिटिशियंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठा दिए। जब पॉलिटिकल लीडरशिप क्वेश्चंस उठाने लगे, वो भी उस लेवल पे जब कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग सर्टेनली देयर जो विच डजंट मीट आर आई, जिसको हम नहीं देख पा रहे, जो हम नहीं समझ पा रहे, उसको अगर डाउट को क्लियर करना है आपको, तो फिर उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि आप एक इन्वेस्टिगेशन, कम से कम बेसिक इन्वेस्टिगेशन जरूर कराइए, सो दैट यू नो व्हाट इज द फैक्ट। इफ इट इज अ सुसाइड, पीपल विल नो दैट। इफ इट वाज अ मर्डर, पीपल विल नो दैट। बट बगैर इन्वेस्टिगेशन के हाउ डू यू डिसाइड इट्स अ सुसाइड? हाउ डू यू डिसाइड? मान लीजिए मदर फादर भी नहीं मांग रहे, फिर भी यू हैव पॉलिटिशियंस ऑफ द कैलिबर ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सेइंग कि एवरीथिंग वाज नॉट फेयर, इट इज अ केस ऑफ अ मर्डर। अगर किसी ने डाउट कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन कराने में प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत क्या है? अगर सुशांत सिंह राजपूत का केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ होता तो फिर हाउ वुड वी नो सो मेनी फैक्ट्स? अगर सोशल मीडिया पे ये मूवमेंट नहीं चला होता, जर्नलिस्ट ने सवाल नहीं उठाए होते, आज आपको क्या मिला है? आज फैक्ट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसका रिजल्ट है कि कम से कम ड्रग्स तो सामने आ गया ना, ड्रग्स का केस सामने आ गया। हाउ आर वी डिस्कसिंग ड्रग्स? तीन तीन एक्ट्रेस को बुला लिया गया, रिया चक्रवर्ती वाज सेंट टू जेल, देर आर मोर नेम्स कमिंग इन। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ, सो देर आर सर्टन फैक्ट्स विच केम आउट। लेट्स नॉट बी यू नो लिव इन फूल्स पैराडाइज कि सब कुछ हंकी डोरी है बॉलीवुड में। अगर सब कुछ हंकी डोरी होता तो सीरीज ऑफ सुसाइड, सीरीज ऑफ मर्डर्स नहीं हो रहे होते, इतने लोग मर नहीं हो रहे होते। अगर मान लो दिशा सालियान मर गई, सुसाइड कर लिया मान लेते हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कर लिया मान लेते हैं, जिया खान ने भी सुसाइड कर लिया मान लेते हैं, दिव्या भारती ने भी सुसाइड कर लिया वो भी मान लेते हैं, श्रीदेवी ने भी सुसाइड कर लिया वो भी मान लेते हैं, प्रत्युषा बनर्जी ने भी सुसाइड कर लिया वो भी मान लेते हैं। अगर इतने सारे सुसाइड हो रहे थे तो इंडस्ट्री क्या कर रही थी? तमाशा देख रही थी? चलिए सुसाइड ही था तो आपने आपको नहीं समझ में आया कि लोग सुसाइड करते चले जा रहे हैं? सो विल यू नॉट ओपन योर आईज टुवर्ड सुसाइड? अगर सुसाइड ही हो रहे हैं तो फार्मर सुसाइड पे इतना हंगामा करते हैं ना कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, वी हैव टू स्टॉप दैट। So why are you not stopping actors suicide? Who is asking you not to stop that? Why is the industry not talking about these suicides? Or these high profile suicides? Divya Bharti was on top, committed suicide. If at all, I have a different opinion altogether. I believe they were not suicides. But even if they were suicides, Divya Bharti on top commits suicide. Sushant Singh Rajput on top commits suicide. Jia Khan commits suicide. Pratyusha Banerjee commits suicide. श्रीदेवी डाइज इन अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, और आप बोलते हैं कि फिर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, फिर भी आप नहीं बोलेंगे कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? Who will investigate it? Should the industry not bother about people who are dying? Is death not important? चलिए ठीक है, मर्डर नहीं, हम लोग बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, वी आर स्पेक्यूलेटिंग, वी आर टॉकिंग समथिंग एल्स, बट देन अगर सुसाइड ही है तो शुड इंडस्ट्री नॉट कम फॉरवर्ड एंड से let's stop these suicides? Why are you not stopping these suicides? Who's responsible for these suicides? Why are actors who are coming from so many places making a career, they reach the top and then commit suicide? Is it not a loss of your competence? Is it not a loss of a talent? So why are you not conscious about the loss of talent in the industry? So that's what I feel, that end of the day, the case of Disha Silence should be investigated, mainly because of the fact that at least when there is an investigation by CBI, wo case hasha ho raha hai, nahi ho raha hai, wo baat ki baat hai. But a lot of facts come to the picture, which allows us to know, at least we know what happened. At least Sushant Singh Rajput, hume pata hai ki kya hua hai.
आप कंक्लूजन कुछ भी कर लीजिए, हमें पता है कि क्या हुआ, बिकॉज देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन. दैट्स व्हाट आई थिंक. अलोक सॉरी मैं आपको बीच में थोड़ा सा वो कर रही हूँ, बट सुनील जी से मुझे एक क्वेश्चन ये करना था कि इतना यंग टैलेंट, इतना यंग टैलेंट जो कि इतना इंटेलिजेंट और मोटिवेशन उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी और फिटनेस फ्रीक, मतलब वो कैसे मेंटल सिक, उसको जैसे बताया जा रहा है कि मेंटल सिकनेस ही या डिप्रेशन में था या डिप्रेस था, तो इसपे तो फेथ करना ही बहुत मुश्किल है, इस पे तो विश्वास करना ही मुश्किल है. और जैसे मुंबई पुलिस ने विद इन हाफ एन आवर ये डिक्लेयर कर दिया था बॉडी देखने के बाद कि ये सुसाइड है, तो उस पे तो कैसे लोग फेथ करें, पूरा देश क्या, मतलब सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि क्या सच्चाई क्या है. और आप तो इससे बहुत, मैं भी काफी कनेक्टेड रही क्योंकि मैं सुशांत सिंह से एक बार मिली थी और वो बहुत ही हंसमुख इंसान रहे अपनी लाइफ में, बहुत ही हंसमुख. तो इसको बिलीव करना कहां तक पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है रेखा, कई रीजंस हैं. मैंने 40 डेज 40 क्वेश्चंस अब रेज किए थे. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ऑफ यू हैव सीन दैट वीडियो, बट यू शुड सी दैट. दैट्स 24th ऑफ जुलाई आई थिंक, इफ आई एम करेक्ट अबाउट द डेट. आई थिंक इट वाज 40 डेज एंड 40 क्वेश्चंस आई रेज, एंड 30 क्वेश्चंस वर अबाउट व्हाई इट्स नॉट अ सुसाइड एंड 10 क्वेश्चंस वर नॉट व्हाई इट्स नॉट अ डिप्रेशन, केस ऑफ डिप्रेशन. क्योंकि जो आदमी डिप्रेस होता है, जो आदमी बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड होता है, जो आदमी पैरानोया से अफेक्टेड होता है, यही तो पहले कहा था ना कि ही इज अफेक्टेड बाय पैरानोया एंड ही इज अफेक्टेड बाय बाय विद बाइपोलर डिसऑर्डर, एंड देन देयर वर 7 मोर मेंटल डिसऑर्डर्स दैट वर एडेड टू द लिस्ट, 9 मेंटल डिसऑर्डर्स दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू हिज सो कॉल्ड साइकियाट्रिस्ट और साइको थेरेपिस्ट सुजैन. डॉक्टर सुजैन के मुताबिक ही वॉज सफरिंग फ्रॉम 9 मेंटल डिसऑर्डर्स. मतलब क्या, वॉज ही अ मूविंग मेंटल डिसऑर्डर केस, व्हाट इज इट, माय पैन सफरिंग फ्रॉम 9 मेंटल डिसऑर्डर्स इन 6 मंथ्स, इन 8 मंथ्स, इन 1 ईयर, एंड ही डाइड इन 1 ईयर. देन दे से कि नो, इट्स अ केस ऑफ ड्रग अब्यूज. सो ड्रग अब्यूज तो इंडस्ट्री में और भी लोग लेते करते हैं, वो तो नहीं मरे. Exactly. सुशांत क्यों मर गया? ड्रग अब्यूज ही था तो सुशांत क्यों मर गया? और तो इससे कहीं ज्यादा ड्रग अब्यूज. सुशांत वॉज फिट, सुशांत के बॉडी पे ड्रग्स का कोई इंपैक्ट दिखता ही नहीं है. यू कैन फिगर दैट आउट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज हेविली इनटू ड्रग्स. इंडस्ट्री के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आई विल नॉट नेम देम राइट नाउ, बट वी नो हुम आर वी टॉकिंग अबाउट. आप प्लीज उनकी बॉडी को देखिए. Please look at their face. You can easily figure out that they are heavily into drugs. But वो जिंदा है ना, मरे तो नहीं है. They are alive and kicking. They're working. So one, because of drugs, if they are alive after so many years, why a person like Sushant, जिसके चेहरे पे body पे कोई drugs का impact ही नहीं दिखता है, वो drugs कैसे मरेगा? Number one. Now coming to the mental disorder, तो 9 mental disorders he was going through or facing in 9 months. Riya Chakravarti came to his life in April 13th, 2019. उससे पहले कोई reference नहीं है, क्योंकि drugs का ही इकलौता reference है कि he started doing marijuana with Sara Ali Khan during the shooting of Kedarnath. उसके पहले कोई भी mental disorder का कोई reference नहीं है. Mental disorder के reference Riya Chakravarti के आने के बाद से है, यानी जुलाई से. So July और August. So between August and June. It's about 9 months. In 9 months, a person suffers from 9 mental disorder. And 9 mental disorder mein, he loses his life. So bipolar disorder, koi bhi doctor jo hain, jo unko bhi humne unhe bulaya, unhone kaha bipolar disorder mein to kisi ko marne mein kam se kam 4, 5, 6 saal, 10 saal lagenge. Bipolar disorder karan koi 9 mahine mein nahi marta hai. And a person suffers from bipolar disorder, cannot hold meetings, cannot discuss, cannot be a brand ambassador for Israel. He became a brand ambassador for Israel. Is Israel a pagal country? Is Israel a mad country? Has Israel lost its mind that they will appoint a person who's suffering from bipolar disorder? It's okay, you can tell her, you can talk to her. No, not an issue. No, it's okay. A person who's suffering from bipolar disorder cannot be taken as a brand ambassador from a country like Israel, which is so conscious about a lot of things. Number one. Number two, person is interacting with NASA
NASA doesn't have sense to judge ki who is a bipolar disorder patient or not. Then he is going preparing for a lecture in some educational institution, university abroad. Then he is thinking of farming in Coorg. Then he is also signing up and he is a brand ambassador for Ministry of, or not Ministry, with Niti Aayog. So a man who is so abnormal, suffering from nine mental disorder, it's hard to believe that that person will be doing so much. Not possible. And during lockdown, we're working on intelligent, artificial intelligence for corona. I'm not touching on the gadgets that he was working. I'm not touching on the artificial intelligence projects that he was working, or I'm not talking about the other apps that he was working on, or whatever he was doing. I'm not talking about that. I'm just talking about these three, four references where the other, some external bodies had to judge him. Like NASA had to judge him. Israel has to judge him. Israel, NASA will not adopt somebody as their brand ambassador. Niti Aayog will not adopt somebody as a brand ambassador without doing a profile check. Yes. Now, it's common sense. You do a profile check. So these are the things where, okay, we can be biased. Family can be biased. Doctors may go wrong. His fraternity can go wrong. Ignore everything. Israel will not do a ground check, a profile check. Background check they will not do. NASA will not do a background check. Niti Aayog will not do a background check because the government of India, Niti Aayog is government of India. Government of India, if they want to have an tie-up with me, they will do surely do a background check about me. Whether I have a history of drugs, whether I have a history of a criminal case, whether I have a history of any other illegalities, and then they will do get into something like this. So these are the authorities who, after their ground check, after their background check, he must have been signed as a brand ambassador. Brand ambassador. So then how do you believe? How do you then believe that he was suffering from mental disorder? It's not possible. These are all concocted story. Now, if you want to turn a suicide into murder, then obviously you'll have to do all these things. That's why, how will you turn a suicide into murder? Rashmi ji, main aapke vichar janna chahunga ispe, please. Thank you so much, Alok ji and Sunil ji, for all the enlightenment in this case that you have been providing. जैसे कि आपने पहले ही बोला, there is no arrest in this case, but yes, there were some interrogation questions with the celebrities like Deepika, Farah, Rakul Preet on the drugs related issues. So this, I'm starting with whatever, you know, in the beginning you gave me, gave us all of us about SSR suicide related information. So first thing, when you said that there's no arrest in the case, but yes, there was interrogation with the celebrities. Secondly, abetment of suicide. Yes, we cannot say that it is suicide. At least we have an NRI's group here who completely believes that it is a murder. Now, how it is a murder? Because we could actually see his body, you know, and his neck was strangulated, which we cannot avoid this fact. When a person does suicide, you do not see, you know, the half of the body is looking like paralyzed or something like that. We cannot avoid this fact. And we are not fools. We do understand. We are educated people in you know, we understand these things. When we interact with people, we come to know. Again, after that, we see no, when it comes to the AIIMS reports or the, which is, you know, there is no evidence that can prove that it is, you know, murder, it is suicide. How? If Cooper Hospital is already, you know, manipulating the report, how do we come to know? AIIMS can only work after Cooper Hospital's report. Again, how does Cooper Hospital immediately, you know, they have been violating so many regulations, medical regulations in this case. So how do we believe Cooper Hospital? Secondly, police. When this happens, police reaches late. Again, when police reaches, everything is being cleaned off. Whereas Maharashtra police should have first, you know, completely logged that area. Nobody should be there. But instead of that, what happened was a complete cleanup of the house was done. Everything was removed. All the, you know, the evidences have been washed off. How do you get the evidence? When CBI comes after, you know, after 65 days,
So what on what basis will CBI work when they have no evidences? So basically, whatever is being framed up and being presented to CBI has to work on that. And if CBI says today that, you know, we don't have any evidences and we have to declare it as suicide, then but still they have the power that, you know, they can have their own angles of looking into the issue, which we don't know, which currently might still be going on the background. But they have to look at all the angles, like, you know, they have to see the government regulations, they have to see people, they have to see the media, they have to take accordingly all the actions, and then they have to come out. So I think we really need to be patient with CBI and all the other enforcement agencies which are already in place, because this does not look to be a very small issue. Now, it is not a small issue because we cannot avoid the fact that the Bollywood celebrity Kangana Ranaut, when she comes out and she gets a Y security, why does she get a Y security? Why is Maharashtra government tarnishing or demolishing her office? So it's all not a joke. Why is the defense personnel, you know, he's getting beaten up by the Maharashtra government people? So these facts cannot be avoided. Again, in media trials, they are directly targeting Republic TV. What is the motive behind that? Yesterday, I saw in the news that, you know, Arnab Goswami, he's been asked to report within 10 minutes in the assembly. What is this all going on? Is this all misuse of power? Why? And again, for SSR case, why is this only one case being targeted? And my biggest question is, like, if Bollywood celebrities, you know, when we spoke about Amitabh Bachchan, I saw the tweet of Shweta Nanda, which was in favor of Riya Chakrabarty. So why don't we ask Amitabh Bachchan this question, that, you know, it's happening from your own family, it's coming out. Jaya Bachchan stood in Parliament. In 4 minutes. The meeting time out in 4 minutes. Yes. So these all questions are being framed up for us. And there was a very famous quote when she talked about thali. And then now everybody's like, jab puri thali mein hi chhed hai, to hum wo thali thodi hoti hai phir. फिर तो हमें उस थाली का बेस तैयार करना पड़ेगा ना, उस पे तो हमें काम करना पड़ेगा. एंड हमारे एंड यू नो आई एम एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द ट्विटर्स, सो आई सी यू नो दीस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, यू सेड दैट यू नो टू सेव देयर ओन फ्रेटरनिटी. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी रश्मि जी, आपको काटूंगा. आई विल कम टू कृष्णा देवकोटा की, जो कि हमारे नेपाल से जुड़ चुके हैं. कृष्णा जी, आप कुछ लाइनों में बताइए एसएसआर से, आप लोग नेपाल यूनियन से क्या कर रहे हैं. आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए कृष्णा जी. थैंक यू आलोक जी, मुझे इसमें ज्वाइन होने का ये अवसर देने दीजिए इसके लिए, और सुनील जी और सब जो भी ये मीटिंग में हम हैं, सबके लिए मेरा नमस्कार. मैं नेपाल से हूँ. मैं अभी जो ये क्या नाम है, ये जो हमारा सुशांत सिंह जी है, हमारा जो नेपाली है, नेपाली लोग उनको एकदम पसंद करते हैं, क्योंकि वो जहाँ बिहार से है उन्हीं जिसकी वजह से भी हम नेपाल से करीब होते हैं जी. ऐसे भी हम जो हिंदी मूवी वो भी नेपाल वाले स्पेशल जो सुशांत सिंह की है देखते हैं. तो अभी हम जो भी है ना नेपाली लोग, जो नेपाली जनता है, जो दर्शक उनकी है, क्या बोलते हैं, जो दर्शक जी, उनके जो फैन है, वो लोग एकदम दुखी है. जो सर ये उन्हें वो लोग भी बोल रहे हैं कि राज ये जी जो सुशांत जी, उन्होंने उनका ये नॉर्मली जो सुसाइड नहीं है, वो किसी ने उनको सुसाइड करने में फोर्स किया, ऐसा कुछ वजह से उनको सुसाइड होना गया हुआ है. जिसके इसलिए हम सारे दुखी है, नेपाली लोग भी दुखी है. तो जो ये अकेला नेपाली लोग की लिए नहीं, कि जो इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसमें भी एक उसका भी एक दोष है, इसमें दोष दिखाई जाता है. जो बड़े बड़े जो कलाकार जो अभी उन्होंने जो रश्मि जी और रेखा जी ने भी इसका जो बताया आवाज निकाली है उन्होंने, ये भी एक लॉस है जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जी. अभी तो सुशांत जी की ये हो गया, तो अंदर के कुछ गड़बड़ी से ये हो रहा है ना, किसी की कुछ खिंचातानी से ये हो रहा है.
तो कल जाके कि और दूसरे एक बड़े कोई किसी के भी हो नहीं हो सकता है ये सामने नहीं गेस कर सकते सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेपाल चुके हैं आप कृष्णा जी नेपाल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं देवकला के स्कॉटलैंड में और ये काफी नेपाल यूनियन से जुड़े हुए हैं बहुत बड़ा अस्तित्व रख चुके हैं ये और अब हमारे पास समय की पाबंदी है बहुत कम समय रह गया निधि जी मैं आपसे तुरंत क्विक व्यू आपका जानना चाहूंगा लेस देन 30 seconds प्लीज अनम्यूट योर माइक प्लीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि सुशांत की बड़ी फैन होने के नाते मैं बस ये समझना चाहूंगी कि 4 महीने के बाद आज मैं एक कंफ्यूज स्टेट में हूँ और वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि अभी तक भी कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दिख रहा है कि आइदर वो सुसाइड से मरे हैं या मर्डर से मरे हैं गोल मोल चीजें घूमती जा रही हैं फैक्ट्स से अभी भी कोई नाता दिख नहीं रहा तो आई एम रियली कंफ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड कि क्या होने वाला है जस्ट विश करती हूँ कि उनको जस्टिस मिले बस यही कहना चाहूंगी थैंक यू सर क्लोजिंग स्टेटमेंट जल्दी से सुनील सर क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज नो आई विल ओनली से थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग आई थिंक यू ऑर्गेनाइज समथिंग लाइक दिस इन फ्यूचर आल्सो एंड आई एम मोर देन कीन टू कम एंड बी पार्ट ऑफ इट थैंक यू सो मच आलोक थैंक यू